गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी गोवा का लास्ट डे है, मतलब थर्ड डे। कल हमारा रिटर्न टिकट है हैदराबाद के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं पालोलेम बीच में, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। और अभी हम गोवा के बैक वाटर के ऊपर जो ब्रिज है उसी के ऊपर है। और यहाँ का व्यू इतना सुंदर है कि चाहे आप कितना भी देख लो, आपका मन करेगा कि थोड़ी देर और देखती हूँ। तो चलिए चलते हैं पालोलेम पे। और एक्चुअली हमने कोई होटल भी नहीं बुक कराया वहाँ पे, और ऑफ सीजन भी चल रहा है, तो अभी हम कंफर्म नहीं है कि हमको होटल मिलेगा भी या नहीं, जाके देखते हैं। हमारा मन था कि जो बीच के ऊपर जो कॉटेज होती है वो लेने के लिए, पर लगता है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर नहीं मिला तो दूर में कहीं पे जहाँ पे भी मिले हम कोई रूम ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा ये वाला, तो आप देखते रहिए और रास्ते में जो भी अच्छा व्यू आएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो चलिए आपको ले चलती हूँ पालोलेम बीच। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हम हैं पालोलेम बीच पे, साउथ गोवा। आज आए हैं सुबह। तो यहाँ पे एक्चुअली सारा जो कॉटेज है जो बीच के ऊपर होता है वो सारे बंद है ऑक्सीजन होने के कारण, और पानी इतना बढ़ गया है कि कॉटेज के सामने तक पानी आ गया है, इसलिए हमें रूम नहीं मिल रहा है। अभी हम पिछले एक घंटे से रूम ढूंढ रहे हैं तो रूम मिल नहीं रहा है। जितने भी एक दो होटल हैं या कॉटेज है वो सारे रूम जो है वो बुक्ड है। तो अभी वेट करते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा रूम मिलने में। अगर दो रूम भी मिल जाए तब भी हम बुक कर लेंगे। और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच तो किया ही नहीं, लंच का टाइम हो गया है एक्चुअली। तो देखते हैं रूम पहले मिल जाए, फिर रूम पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, जो भी करना है फिर करते हैं। और मैं आपको यहाँ के पानी के लेवल दिखाती हूँ कितना बढ़ गया है, एकदम कॉटेज के सामने तक पानी आ रहा है। पानी का लेवल देखिए अब कहाँ तक आ गया है। ये जो रेस्टोरेंट है बीच पे उसका बाउंड्री है, और पानी यहाँ तक आ रहा है और भी पास आ रहा है एक्चुअली। लंच पे हमने एक सी फूड का जो सलाद है वो लिया है, और चिकन सैंडविच और चाय। तो लंच बहुत अच्छा था क्योंकि हमें बहुत भूख लग रहा था, और जो रूम है वो मिल नहीं रहा था, पर बहुत ढूंढने के बाद मिल गया आखिर रूम। क्योंकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है और जो सी लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है, मतलब पानी बहुत बढ़ चुका है समुंदर में, इसलिए जो बीच रिसॉर्ट्स है वो सारे अभी क्लोज है, इसलिए हमें रूम मिलने में बहुत तकलीफ़ हुआ। पर फाइनली हमें रूम मिल गया है, हमने तीन रूम ले लिया है, बीच के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
तो अभी थोड़ा सा घूमेंगे आसपास, क्योंकि यहाँ पे आसपास पता नहीं हमें देखने के लिए क्या है। स्कूटी वगैरह रेंट करेंगे या नहीं वो भी कंफर्म नहीं है, तो या तो ऐसे ही घूमेंगे थोड़ा सा, और फिर रात में जो हमारा जो रिसॉर्ट है वो बीच के पास ही है, तो वहाँ पे बैठ के एंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं आज पूरा दिन। समुंदर का जो पानी है वो थोड़ी देर के लिए वो कम हुआ था, तो स्विमिंग के लिए अलाउ कर रहे थे कुछ देर के लिए, तो हम ऐसे घूम रहे थे बीच पे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा स्विम कर ही लेते हैं। मतलब ऐसे सामने ज़्यादा दूर नहीं जाने दे रहे थे, पर सामने बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हम तुरंत आके ड्रेस चेंज करके थोड़ी देर एंजॉय कर लिए, अभी आके फिर से नहाया और अभी फिर से तैयार होके अभी बीच में जाके जो वहाँ पे चेयर्स वगैरह लगा रहता है वहाँ पे बैठेंगे और थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ रात का क्या व्यू है और क्या माहौल है वहाँ का, तो वीडियो देखते रहिए आप लास्ट तक।